खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ, तहलका न्यूज मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा। नमस्कार, मैं रंजीत राय तहलका न्यूज से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय मैं केंद्रीय विद्यालय पे हूं और बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है। सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना कर रहा हूं। उनके अभिभावक यहां विद्यालय पे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय के सामने हूँ। इतना काफ़ी भीड़ है कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय। आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है केंद्रीय विद्यालय, किधर दिख रहा है? हाँ, केंद्रीय विद्यालय है। यह बहुत हल्का आ रहा होगा, आप देख नहीं पा रहे होंगे। इस समय मैं केंद्रीय विद्यालय पे हूँ और आप तो देख सकते हैं कि बच्चे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने आए हुए हैं। आज यहाँ जो है लिटिल फ्लावर और तमाम कई विद्यालयों के सेंटर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी भीड़ है और सुरक्षा के नाम पर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय पर हूँ और काफ़ी गाड़ियाँ बेतरतीब हैं, आप देख सकते हैं। और आपको मैं ले चल रहा हूँ, यहाँ एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हाँ अंकल जी, मैं रंजीत राय तहलका न्यूज़ से हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा तेज बोलिएगा। शिव कुमार जायसवाल। हाँ, आप शिव कुमार जायसवाल जी को सुनने जा रहे हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं? बच्चे की परीक्षा दिलाने के लिए। क्या नाम है आपके बेटे का? गौरव जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़ के रहने वाले हैं आप। आजमगढ़ से किस स्कूल का सेंटर आया है, किस स्कूल में आपका बेटा पढ़ता है? थोड़ा तेज बोलिए। कौन सा स्कूल है? राम लगन सिंह। अच्छा, आप इनके सुपुत्र हैं, क्या नाम है आपका? गौरव जैसा। अच्छा, आप किस विषय का पेपर है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का है, बिल्कुल तैयारी किए हैं ना? सुबह माता पिता का आशीर्वाद लिए हैं। मात पिता गुरु ना हो माथा, ये श्री रामचरित मानस में लिखा हुआ है। माता पिता सुंदरकांड में कहे हैं भगवान बजरंग बली जी की, हे माता जानकी जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद बहुत बड़ा है। अब आप बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार भीम राय से। ये बहुत ही प्रभावशाली पत्रकार हैं, इनके काफ़ी अच्छे लोगों से संबंध भी हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पत्रकारों से। उपेंद्र राय जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके रिश्तेदार हैं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? भीम राय है। अच्छा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? बच्ची को लेकर आए थे परीक्षा दिलवाने के। क्या नाम है आपकी बेटी का? हर्षिता कुमारी। किस स्कूल में पढ़ती है? लिटिल फ्लावर में पढ़ती है। अच्छा, वहाँ का सेंटर यहाँ आया है? यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ काफ़ी जो है यहाँ पे यातायात दुर्व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन जो है, किसी प्रकार का कोई भी पुलिस वाला नहीं है, ना ही प्रशासन लगाया गया है। काफ़ी भीड़ भाड़ है जिसमें बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और अभिभावक भी उनके साथ परेशान हैं। काफ़ी जाम लगा हुआ है और काफ़ी दूरी तक जाम लगा हुआ है। इसके विषय में ना ही केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने कोई व्यवस्था की अपने तरफ से, ना ही प्रशासन ने कोई व्यवस्था की। क्या आपको लग रहा है कि अगर यहाँ मतलब व्यवस्था नेक्स्ट डे में सुदृढ़ नहीं किया गया तो परीक्षाएँ बच्चों की छूट सकती हैं? संभवतः उम्मीद है कि अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो हो सकता है किसी बच्चे की परीक्षा भी छूट सकती है। बिल्कुल, आप वरिष्ठ पत्रकार भीम जी को सुन रहे थे, ये काफ़ी व्यथित और पीड़ित हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ भीड़ लगा हुआ है और ये भीड़ भविष्य को तैयार करने के लिए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। आप इधर देखिए, तमाम भीड़ हैं। और इधर हाँ, तो मैं आपको ले चल रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, थोड़ा इधर आइए। सौरभ राजी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? करौली। हाँ, करौली दोहरीघाट के आप रहने वाले हैं। आपके पिताजी का क्या नाम है? अजीत राय। अच्छा, कहाँ, किस कॉलेज में पढ़ते हैं आप? टावर में। अच्छा, उसका सेंटर यहाँ आया हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तेज बोलिए, ये बताइए कि किस विषय का पेपर है? मैथ का। मैथ का पेपर है, आपने तो घर पर तैयारी किया था जी। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको हमारी शुभकामना है। तहलका न्यूज़ की तरफ से, हमारे चीफ एडिटर श्री अरुण सिंह भीमा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सदगुरु पद्मश्री हरिहर पालो गुरु भगवान की तरफ से, छोटे महाराज जी गुरु माता जी की तरफ से हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और यहाँ उपस्थित उन सारे बच्चों को है जो परीक्षा देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कितना लंबा जाम है, आप देख सकते हैं। ये जाम का जिम्मेदार कौन है ऐसा बताया जा रहा है। अभी आपको वरिष्ठ पत्रकार भीम जी ने बताया कि यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रिंसिपल प्रशासन ने, विद्यालय प्रशासन ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं किया है और लग रहा है कि कुछ हल्का फुल्का, अच्छा हाँ, गाड़ी हटाया और पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, भैया थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने दीजिए। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि हम इस समय केंद्रीय विद्यालय पर हैं और काफ़ी यहाँ कंजेस्टेड मामला है क्योंकि यहाँ थोड़ा, भाई जगह देना, भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है?
मैं रंजीत रा पत्रकार हूँ, बताइए ना आपकी मदद कर। अरुण कुमार राय। अच्छा भैया, बच्चे की परीक्षा दिलाने आए हैं? हाँ। यह सुविधा देखकर आपको क्या लग रहा है कि बच्चों की परीक्षा छूटने की दुविधा लग रहा है कि नहीं? कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं, जाम बड़ा भयंकर लगा हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं? ये तो आम जनता ही जाम लगाया। आम जनता ने जाम लगाया है। अभी भाई साहब ने कहा कि आम जनता ने यहाँ पे जाम लगाया है। हाँ, आप देख सकते हैं भाई साहब देख लो। हाँ, तो हम इस समय केंद्रीय विद्यालय के सामने मुख्य द्वार पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगा हुआ है लोग परीक्षा देने के लिए। नमस्कार, मैं रंजीत रा तहलका न्यूज़ से हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा तेज बोलिएगा। ब्रजेश सिंह जी, आप क्या करते हैं? टीचिंग का। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के। अच्छा, यहाँ क्या करना है? यहाँ बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए। अच्छा, आपके बेटे का एग्जाम है, क्या नाम है आपके बेटे का? नहीं, बेटे का नहीं है, हम स्कूल से हैं। अच्छा, आप विद्यालय की तरफ से हैं। क्या आपको नहीं लगता कि व्यवस्था के लिए यहाँ के प्रिंसिपल को सुरक्षा मांगनी चाहिए थी? सुरक्षा के माध्यम? अरे, एहतियात के तौर पे, एहतियात के तौर पे जरूरी है कि कम से कम दो चार गार्ड लगाए। हाँ, इसके लिए इसके लिए किसको लापरवाह मानते हैं आप? बोलिए, धन्यवाद। बेपरवाह बोलिए, मतलब ये कि यहाँ के जो व्यवस्था, क्योंकि आपकी बात जो है यहाँ के एसपी सुनेंगे, डीएम सुनेंगे, डीआईजी सुनेंगे और कमिश्नर सुनेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एकदम है तहलका न्यूज की तरफ से। तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनको कम से कम चाहिए कि जो है यहाँ दो चार स्टाफ अपने तरफ लगा करके ये जो दिक्कतें हो रही हैं उनसे निपटारा हो सके। हाँ, आप शुभ नाम क्या बताएं? ब्रजेश सिंह। हाँ, ब्रजेश सिंह जी बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, टीचर हैं, इनकी आपने बात सुना होगा। इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से एक जिम्मेदार आदमी। आपका चाचा जी क्या नाम है? नमस्कार है आपका? धर्मराज यादव। थोड़ा तेज बोलिए। धर्मराज यादव। आप धर्मराज यादव जी हैं, यहाँ क्या करने आए हैं? परीक्षा दिलवाना। अच्छा, बेटे बेटी एक बेटा है? बेटा है। क्या नाम है? नमन यादव। क्या बनाना चाहते हैं नमन जी को? नमन जी को हम इंजीनियर बनाना। आईएएस बनाना चाहते हैं? ठीक है। अरे छोटा मत बोलिए, थोड़ा बड़ा बोलिए ना। आईएएस नहीं हो पाएगा तो इंजीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल कलाम जी ने कहा ख्वाब हमेशा ऊंचा देखिए, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा असुविधाएं ना हो किसी को। ये गार्ड जी हैं, गार्ड जी सुरक्षा में लगे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गार्ड जी हमको भी हटा रहे हैं, अब हट जाने की जरूरत है क्योंकि अब थोड़ा सा मैं केंद्रीय विद्यालय के बोर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय है और यहाँ ही होगी बोर्ड परीक्षा। हाँ, ये केंद्रीय विद्यालय है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। एक मिनट भैया, मैं पत्रकार हूँ, कोई नाराज मत होगा। यहाँ लिखा है बहुत सुंदर शब्दों में, अनुशासन। सफलता के लिए सोपान, अनुशासन, अध्ययन, अभ्यास। कैमरे की नज़र में हैं आप लोग। हाँ, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आप लोग भीड़ भाड़ मत लगाइए। अरे भाई, भीड़ भाड़ नहीं लगेगा, जो बच्चों के साथ बच्चा। अरे वाह वाह वाह, ये देखिए इसमें ये भी आ गए। अब इनको गार्ड जी हटाएंगे, अभी हट पाएंगे कि नहीं हट पाएंगे, भगवान भरोसे। हाँ, रुको रुको यार। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, जिनको भी देखना है एकदम देखें, दिल खोल के देखें तहलका न्यूज़ को। तहलका न्यूज़ है आपके साथ। हाँ, हम भी लोगों की मदद ही कर रहे हैं, सहयोगी बने हुए हैं, ताकि जाम से निजात दिलाने के लिए हमेशा प्रशासन कहता है कि जाम से निजात दिलाया जाना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं करता है। आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है और एक केंद्रीय विद्यालय है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बड़े भाई, आपका शुभ नाम क्या है? बहुत प्रसन्न है, बड़े भाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तेज बोलिएगा। नितेश सिंह मंटू। हाँ, नितेश सिंह मंटू जी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया जिला। यहाँ क्या करने आ गए? आ गए बच्चों। अरे बलिया से यहाँ चले आए, बलिया के चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे, तमाम विद्वान है, ब्रह्मर्षि जी का, वो जिनका कौन भृगु जी का स्थान है। जरा बोलिएगा, ये आपको सुविधा देख कर कैसी दुविधा लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत खुश है प्रशासन और विद्यालय प्रशासन की व्यवस्थाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख सकते हैं। गाजीपुर से आया हूँ। गाजीपुर से आए हुए हैं एग्जाम देने के लिए। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं। क्या बनना चाहते हैं आप? हम आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सौरभ यादव मेरा नाम है। सौरभ यादव नाम है इनका। कुरान से आया हूँ और यहाँ कोई पुलिस प्रशासन व्यवस्था नहीं, सारे पूरा। अच्छा, किस कॉलेज में पढ़ते हैं? लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल। कौन है आपके प्रिंसिपल? पीएल जैसी सर हैं। और प्रबंधक कौन है? प्रबंधक मिस्टर विजय शंकर यादव जी। अरे वो तो संस्थापक हैं। नहीं नहीं, वही हैं। अरे प्रबंधक मुरली है, मुरलीधर है। हाँ, मुरलीधर मेरा मित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी हैं। हाँ, पेपर देना, पेपर दे रहे हैं, ऐसा और क्या कर रहे हैं। देखिए गार्ड जी हैं, गार्ड भैया जरा बोलिएगा, आपको क्या लग रहा है? आपको सुविधा हो रही है सुरक्षा में? रंजीत राय तहलका न्यूज से। तो आपको असुविधाएं हो रही हैं? आप अपेक्षा करेंगे कि कुछ गार्ड की व्यवस्था कराई जाए कप्तान से कहके? हाँ, थाने को रिपोर्ट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी लोग परीक्षा देने वाले हैं, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव मेरा नाम। क्या बनना चाहते हैं आप? जी मैं जो है कि अरे शर्मा कह रहे हैं, तेज बोलिए ना। आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, दो के नीचे नहीं बनना। किस स्कूल से आए हैं आप? महर्षि स्कूल से आए हैं। कितने स्कूल के सेंटर आए हुए हैं यहाँ पे, हमको इतनी जानकारी नहीं है। लिटिल फ्लावर, महर्षि, तमाम का। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? आसिफ। अरे तेज बोलो। मोहम्मद आसिफ रजा। मोहम्मद आसिफ रजा, आपका क्या नाम है? शौर्य वर्मा। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? केंद्रीय विद्यालय में। क्या बनना चाहते हैं आप लोग? आईएएस। हाँ, देखिए लोग आईएएस बनना चाहते हैं। मेरे इतना सब करने पर एग्जाम खुल गया है,
और इधर देखिए बहुत लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बड़ी खराब स्थिति में है। हाँ नहीं ठीक है, बहुत खराब नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऐसे तो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी भीड़ होते रहते हैं। हमारे रंजीत राय तहलका न्यूज से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, अभिभावकों को भी धन्यवाद देता हूँ जो अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभा रहे हैं। इधर अरुण सिंह भीमा जी कह रहे हैं भाई मेरा फोटो मत खींचिए, बहुत शर्मा रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं, देखिए मना कर रहे हैं हमको। और मैं अपने चीफ एडिटर अरुण सिंह भीमा जी की तरफ से सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय का बोर्ड है, यहाँ बच्चे हैं और हमको कह रहे हैं कि अब आप चलिए, सब रिकॉर्डिंग हो गई है।